सर, आज न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन है, ऐसे में पहलवानों ने एक पंचायत का आह्वान किया था और हरियाणा पंजाब से लोगों को बुलाया था। आप लोगों की सर सुरक्षा को लेकर क्या कुछ खास तैयारियां हैं, अगर हम सोनीपत की बात करें? सुरक्षा को लेकर के जो यहाँ से जितने भी बॉर्डर पॉइंट्स हैं, जो हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पॉइंट्स हैं, वहाँ पे हमने नाका लगाया है। जो ये बड़ा बॉर्डर था सिंगू बॉर्डर, यहाँ पे हमने चार मेल कंपनी और एक फीमेल कंपनी डिप्लॉय करी है। इसके अलावा जो अदर पॉइंट्स हैं, जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वहाँ भी हमने प्लाटून डिप्लॉय करी है। जो इनको डायरेक्शंस जो है फोर्स को, ये है कि जो पब्लिक है उसको इनकन्वीनियंस नहीं होना चाहिए, ट्रैफिक जो है वो स्मूथ रहना चाहिए। लेकिन बस एक ही चीज़ इंश्योर करनी है कि जो अनसोशल एलिमेंट्स हैं, जो अनरूली एलिमेंट्स हैं, जो आइडेंटिफाई कर रखे हैं, वो जो है बॉर्डर्स क्रॉस करके दिल्ली ना पहुंच पाए, ये डायरेक्शन दे रखा है। तो सर, अभी तक कितने लोगों को डिटेन किया गया है? अभी तक सिचुएशन क्या है? अभी तक सोनीपत पुलिस द्वारा किसी को डिटेन नहीं किया गया है। किसी को डिटेन नहीं किया गया? क्या लोग आ रहे हैं सर सुबह से? अभी आप लोगों को क्या पता चला, क्या वापस भेजा आप लोगों ने कुछ? इस प्रकार ऐसा कोई इनपुट नहीं है अभी तक, और ख़ास करके इस बॉर्डर पर नहीं आया है। हरियाणा के जो अदर पॉइंट्स हैं वहाँ पर जरूर लोगों को कुछ ऐसी सूचना आई है कि डिटेन किया गया, लेकिन सोनीपत जो ईस्ट जोन है उसमें अभी किसी प्रकार का ना तो डिटेन किया गया, ना किसी का व्हीकल वापस मोड़ा गया, बस रूटीन में चेकिंग चल रही है। सर, 11 बजे के आसपास का वक्त दिया गया था कि सिंगू बॉर्डर पर जी सभी लोग इकट्ठा होंगे जी, तो अगर लोग पहुँचते हैं तो उनको क्या वापस भेजा जाएगा, किस तरह से क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, उसमें उनका पर्पस को असेस किया जाएगा कि वो कौन से पर्पस से जा रहे हैं। अगर उनका पर्पज़ है कि जो अब न्यू पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हो रहा है उसको डिसरप्ट करना है, तो उनको यहाँ से आगे नहीं मूव करने दिया जाएगा, और उन पर जो भी पॉसिबल उनको कन्विंस किया जाएगा कि आप जहाँ से आए हैं वहीं लौट जाएं, अदरवाइज जो भी रिक्वायर्ड एक्शन होगा वो लिया जाएगा। पहचान करना बहुत बड़ी चुनौती है सर उन लोगों की? जो पहचान करना, उसके लिए हमारा इंटेलिजेंस जो सिक्योरिटी टीम है वो इसमें लगी हुई है, और वो लगातार जो है वो लोगों पर नज़र बनाए रख रहे हैं कि कौन से लोग ऐसे हैं जो पार्लियामेंट की जो इनॉग्रेशन है उसको डिसरप्ट करना चाह रहे हैं। इसके अलावा जो भी नॉर्मल आइडेंटिफिकेशन होगा उसको टेक्निक को यूज़ करके आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा।